हर हर महादेव। केदारनाथ धाम सर्क रोहिणी कॉम्प्लेक्स रूम बुकिंग वीडियो। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और आप सर्क रोहिणी में रूम बुकिंग की करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से है। आज रूम की बुकिंग ओपन हो चुकी है और आप लोग बहुत ही आराम से रूम की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, फरवरी का महीना चल रहा है। मैं आपको आज की डेट दिखाना चाहूँगा। आज है 23 फरवरी 2024। तो आज के दिन रूम की बुकिंग ओपन हो चुकी है केदारनाथ धाम के लिए। तो अगर आपका प्लान देखिए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर किसी भी मंथ का बन रहा है तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए। मैंने अपनी बुकिंग कर ली है तो आपको भी अभी से ही अपनी बुकिंग कर लेनी है। हालांकि जिस स्टेट में मुझे जाना था उस स्टेट पे अभी वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने उसके बाद की डेट की बुकिंग कर ली है। अगर बीच में मुझे उस स्टेट की बुकिंग मिली तो मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर हम बुकिंग किस तरह करेंगे। तो यहाँ से मैं अपनी इसी वेबसाइट को ओपन करना चाहूँगा। ये मेरी वेबसाइट है yatraikan.in। आपको यहाँ आना है और यहाँ आपको देखिए प्राइस लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ आपको एक रूम बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फिलहाल ये ऐड को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ जब आप नीचे आएंगे, नीचे आपको देखिए GMEN केदारनाथ रूम बुकिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, क्योंकि जब तक आप अकाउंट लॉगिन नहीं करेंगे आपके सामने मेरी ये पोस्ट ओपन नहीं होगी। तो चलिए यहाँ से मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके आप किसी भी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब मैं दोबारा से प्राइस लिस्ट पे आऊँगा और देन रूम बुकिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए मैं इस पोस्ट को दोबारा ओपन करूँगा तो मेरी पोस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, पोस्ट ओपन होने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आपको देखिए केदारनाथ धाम से जुड़े सारे के सारे आपको यहाँ लिंक मिल जाएंगे। इसमें आपको जो बुक करना है वो करना है आपको सर्क रोहिणी कॉम्प्लेक्स, जो कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। तो चलिए यहाँ मैं सीधा बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए सर्क रोहिणी का मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है। अभी फिलहाल मैं आपको स्टार्टिंग की डेट दिखा देता हूँ। हालाँकि फुल हो चुका होगा क्योंकि रात में इनकी बुकिंग ओपन हो गई थी। मैं फिलहाल यहाँ से कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 24 तारीख हम देख लेते हैं। तो 24 तारीख में देखिए अभी डोमेट्री भी अवेलेबल है, 4 बेड है। बाकी अगर आपको रूम लेना है, रूम यहाँ फुल हो चुके हैं। रूम का जो प्राइस है बहुत महंगा प्राइस है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा रूम चाहिए होता है और डोमेट्री में नहीं रुकना चाहते तो रूम भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से डोमेट्री बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं भी इसी के अंदर रुकता हूँ और अच्छी अच्छी फैमिली डोमेट्री में ही रुकती है। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा कम है वही रुकता है। तो फिलहाल जो मेरी डेट है, यात्रा की डेट आप सभी को पता है, 22 तारीख को मुझे जाना है हरिद्वार से और 23 तारीख को मुझे केदारनाथ धाम होना है। तो फिलहाल मैं यहाँ से 23 तारीख देख लेता हूँ कि 23 तारीख में रूम अवेलेबल है या नहीं है, या डोमेट्री अवेलेबल है या नहीं है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में दे ही चुका हूँ, उस समय यहाँ अवेलेबल नहीं थे। अब देखिए अक्टूबर की बुकिंग या तो इन्होंने अभी खोली नहीं है या फुल हो चुका है, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। जो देखिए 23 अक्टूबर इसने मुझे दिखा दिया है 8 बेड अवेलेबल है, लेकिन रूम यहाँ नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से ये 23 अक्टूबर को यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके इसे बुक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कार्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, आपको बस यहाँ कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए ये डोमेट्री आ चुका है। चेक इन मेरा 23 तारीख को है, यानी मैं 22 को हरिद्वार से निकलूँगा, 23 में केदारनाथ धाम पहुँचूँगा और 24 में वहाँ से मैं वापसी आ जाऊँगा। और इसमें देखिए फूड भी अवेलेबल है, यानी आपको नाइट का डिनर भी यहाँ मिलने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिखना है, सीधा बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ मैं फटाफट से डिटेल फिलअप कर देता हूँ। डिटेल मैंने फिलअप कर दी है, बुक नाउ वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने पे का ऑप्शन आता है। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो यहाँ से मैं UPI ही सिलेक्ट करने वाला हूँ और देन गूगल पे यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ आपको अपनी UPI ID डालनी है। तो चलिए यहाँ मैं अपना UPI ID डाल देता हूँ और वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। अब मेरे गूगल पे के अंदर एक मैसेज आएगा पेमेंट का, उसे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ मेरी पेमेंट हो चुकी है, बस आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। और यहाँ देखिए मेरी रूम की बुकिंग हो चुकी है सर्क रोहिणी के अंदर, और ये मैंने कब करी है, 23 फरवरी 2024 को। और मुझे जाना कब है, मुझे जाना है अक्टूबर के महीने में,
23 तारीख को मेरा केदारनाथ धाम स्टे है, और देखिए मैंने अभी से ही बुकिंग कर ली है, फरवरी का टाइम चल रहा है और ये मेरी बुकिंग आईडी है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर हमको पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगी। तो पीडीएफ फाइल देखिए आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाती है, बाकी आप चाहें तो अपना अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देता है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको देखिए मोबाइल नंबर पासवर्ड मांग रहा है। अब बात आती है कि भाई आपने तो अकाउंट ही नहीं बनाया इस पर, ना तो आपने कोई पासवर्ड डाला और ना ही आपको मालूम है कि इसे कैसे लॉगिन करेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पासवर्ड होता है वो होता है आपका मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर आपने बुकिंग के टाइम डाला है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, और ईमेल आईडी आपको वो डालनी है जो आपने बुकिंग के टाइम डाली है। तो चलिए यहाँ से मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। इसके बाद आपको माई बुकिंग वाले ऑप्शन पर आना है। माई बुकिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपकी जितनी भी बुकिंग है आपको शो हो जाएगी, और यहीं पर देखिए आपको पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग केदारनाथ धाम में रूम बुकिंग कर पाएंगे। अगर आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने देखिए ग्रुप भी बना रखा है। ये जब बुकिंग ओपन हुई थी मैंने स्टार्टिंग में ग्रुप में डाल दिया था, तो काफ़ी लोगों ने स्टार्टिंग में अपना बुकिंग कर लिया है, लेकिन वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हो सकता है आपको अब वहाँ काफ़ी सीटें फुल दिखाई दे। इसी तरह के अपडेट आप व्हाट्सएप भी प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, या फिर आप QR कोड को स्कैन करके मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अभी तो देखिए हेली बुकिंग भी ओपन होनी है, उसमें भी इसी तरह बुरा हाल होगा, स्टार्टिंग में सब कुछ फुल हो जाएगा। तो आप टाइम से पहले अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। हर महादेव।